ये देखिए आप मॉल रोड और रिज का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, वो आपका चर्च है, देन ये आपका नीचे मॉल रोड और ये रिज मैदान पूरा। हेलो गाइस, आज है हमारे टास्क का दूसरा दिन और आज मैं तैयार हो चुका हूँ। अभी सुबह के 6 बजे है और मैं जा रहा हूँ शिमला सिटी की तरफ। शिमला सिटी जो है वो मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, तो अभी मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। अब बस मुझे शूज़ लगाने हैं और उसके बाद मैं निकलने वाला हूँ शिमला के लिए। अब शिमला में क्यों जा रहा हूँ इसके बारे में आपको ब्लॉग के बीच में बताने वाला हूँ। तो अभी तो मैं अपने रूम में हूँ और अभी मुझे लगभग 10 मिनट का रास्ता जो है वो पैदल चल के करना होगा। हाइकिंग है एक तरह से, बहुत चढ़ाई ऊपर जाकर, उसके बाद वहाँ से मुझे बस या टैक्सी मिलेगी, फिर मैं शिमला पहुँच पाऊँगा। तो शिमला जाने से पहले मैं आपको यहाँ से वेदर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो वेदर काफ़ी अच्छा है, आज का धूप आ गई है सामने वाले पहाड़ पर जो मेरे घर से दिखाता है, मेरे रूम से जो दिखता है उस पर भी धूप आ चुकी है और अभी हमें निकलना है वहाँ पे, वो है शिमला का एरिया। तो यहाँ से रूम से ही शिमला दिखाई देता है। तो 15 किलोमीटर अभी हम चलेंगे, बस शूज़ पहनने और फिर निकलते हैं। तो घर से रोड तक पहुँचने में मैंने आधा जो सफ़र है वो मैंने तय कर लिया है और वो नीचे मेरा घर है, वहाँ से अभी आया हूँ। पूरा 10 मिनट लगते हैं, अब आधा रास्ता मैंने कम्प्लीट कर दिया है, तो अब मुझे जो है वो यहाँ से ऊपर सड़क तक 5 मिनट लगने वाले हैं। आप देख सकते हो किस तरह का है, छोटी सी पगडंडी है और ये यहाँ से घूम घूम के वो नीचे तक पहुँचती है और वो है वहाँ पे शिमला, और मुझे एग्जैक्ट उस लोकेशन तक अभी जाना है। एंड ये है सामने का वैली व्यू, एंड जिस लोकेशन पे मैं हूँ इस लोकेशन का नाम है मशोबरा, जो कि शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सो अगर आप शिमला आते हैं तो यहाँ पर भी आप घूमने आ सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। बाकी आप नेचर तो देख ही सकते हैं, आसपास का नेचर, वो वहाँ जाके ऊपर पार्क भी एक बहुत अच्छा पार्क है, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं। और वैसे मैंने उस पार्क की जो है एक पूरा व्लॉग बना रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी वो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हो, बहुत से होटल्स, बहुत से यहाँ पर आपको विलाज मिल जाते हैं। एंड देन उसके बाद वहाँ उस एरिया में जाके भी बहुत सारे होटल हैं। और चलते चलते ये रास्ते में एक छोटा सा देवदार का जंगल भी मिलता है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अभी अगर आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे होंगे तो पक्षियों की आवाज़ें भी अभी आ रही होगी, तो बहुत ही अमेजिंग है, ज़बरदस्त। मैं पहुंच चुका हूं रोड में और ये है वो रोड, अभी मुझे यहां से बस आने वाली है एंड यहां से अभी हम सीधे शिमले के लिए निकलेंगे। और ये आप जो बिल्डिंग्स देख रहे हो ये है यहाँ के होटल्स, थोड़ी देर में जो है वो बस आने वाली है एंड देन उसके बाद मैं सीधा उतरूँगा सिंजौली में। तो वहाँ से हमारी बस आएगी और यहाँ से ये रोड जाता है सीधा शिमला के लिए। एंड इसके अलावा ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ये यहाँ के होटल्स है, अगर आप मशोबरा हो तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। सो फाइनली मैं बस से उतर चुका हूँ और पहुँच चुका हूँ संजौली, और ये है संजौली का टैक्सी स्टैंड। यहाँ से मॉल रोड रिज के लिए भी टैक्सी ली जाती है, तो 20 रुपये किराया लगता है, लेकिन अभी मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं यहाँ से सीधा पैदल ही रिज तक जाऊँगा। बस से उतरने के बाद अब मैं जाऊँगा मॉल रोड के लिए पैदल, तो पैदल रास्ता मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से एम्बुलेंस रोड है, टैक्सियाँ यहाँ से जाती है और सामने ये पाथवे है। एंड ये सामने आप देख सकते हैं शिमला से दिखने वाला ब्यूटीफुल सा व्यू। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं रिज मैदान शिमला पे, और ये आप देखिए चर्च, लाइब्रेरी एंड टका बेंच वाला एरिया। एंड अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है। एंड देन आजकल यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी है, साइट नाम की एग्जीबिशन लगी है यहाँ पे। सो आएंगे, अभी तो ओपन नहीं हुआ है, 10 बजे तक ये ओपन होगा, तो 10 बजे के आसपास हम यहाँ पर आएंगे। एंड देख सकते हैं मॉल रोड अभी पूरी तरह से, ये जो रिज मैदान है वो पूरी तरह से खाली है। एंड ये आप देखिए वहाँ हमारा तिरंगा। एंड अभी मुझे निकलना है ऊपर टॉप पे, वो टॉप पे जाकू टेंपल है, जाकू टेंपल से थोड़ा नीचे मुझे जो है अभी निकलना है। एंड थोड़ी देर बाद हम वापस यहीं पे आएंगे। सो ये आप देखिए सुबह का व्यू। अब मैं दिखाता हूँ आपको रिज का व्यू थोड़ा ऊपर से। सो ये आप देखिए व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है, और यहाँ पर बैठ के आप जो है मज़े ले सकते हैं रिज मैदान के। नाउ हम यहाँ से थोड़ा ऊपर चलेंगे टका बेंच, इस जगह का नाम है टका बेंच, और
वो सामने कैफ़े है, बुक कैफ़े। सो यहाँ पर आप आराम से, हाँ यहाँ पे पर्सनल लाइब्रेरी भी है, तो बुक पढ़ते हुए आप जो है अपने फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड देन ये एलईडी स्क्रीन, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू द रिज मैदान का। सो ये आप देखिए, ये है रिज मैदान का व्यू, और अभी हम वहाँ नीचे खड़े थे। सो अभी मुझे जाखू रोड में जाना है, जाखू टेंपल आपने सुना ही होगा, तो उसी रोड में मुझे अभी ऊपर की तरफ जाते रहना है। और यहाँ जाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मेरी एक्चुअली अभी वहाँ पर जाकर योगा क्लासेस है, और डेली मेरी योगा क्लासेस होती है, तो मैं जो हूँ प्रोफेशनली योगा टीचर हूँ। सो यहाँ पर मेरी 2 घंटे की भी क्लासेस रहती है अलग अलग जगह पे। सो उसके बाद मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। चलो आपको भी ले जाते हैं जाखू की तरफ। सो रिज मैदान से और लक्कड़ बाज़ार की तरफ से ये सीधा रोड जाता है जाखू मंदिर की तरफ। सो अगर आप मॉल रोड के बाद सीधा जाने की कोशिश कर रहे हो जाखू टेंपल के लिए, तो ये रोड आपको पकड़ लेनी है और सीधे यहाँ से ऊपर जाना है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस रोड में आपको बंदर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं और बहुत परेशान करते हैं, कई बार काटते भी है, तो उनसे आपको बच के रहना है। फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर अभी मेरी क्लासेज है नीचे जाकर अपार्टमेंट्स में, और ये रोड जाता है जाखू के लिए। सो ये है वो प्लेस जहाँ पर मैं डेली योगा क्लासेस लेता हूँ, एंड यहाँ पर टेरेस से जो बाहर का व्यू दिखता है, जो शिमला मॉल रोड और रिज मैदान का दिखता है, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से दिखाई देता है। और साथ ही साथ अगर आप जाखू के लिए पैदल नहीं जाना चाहते, टैक्सी नहीं लेना चाहते, तो आप रोपवे के थ्रू भी जाखू जा सकते हैं। तो रिज मैदान से थोड़ा सा आगे आकर आपको जो है रोपवे देखने को मिल जाता है, और यहां से भी आप सीधे जाखू जा सकते हैं। और वो देखिए 2 ट्रॉलीज जो है वो सामने से वापस आ रही है जाखू टेम्पल से वापस मॉल रोड रिज मैदान के लिए। एंड ये देखिए सामने शिमला का बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू। सो योगा सेशन हो चुका है, फाइनल कंप्लीट हो गई है क्लासे। अब मैं निकल रहा हूँ वापस शिमला मॉल रोड की तरफ, थोड़ी देर वहाँ घूमूंगा, एंड देन उसके बाद मुझे निकलना है वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि घर जाने के बाद भी मेरे पास और भी काम है, सो वो भी मुझे अभी कंप्लीट करने हैं। सो अभी मैं जाखू मंदिर नहीं गया, तो ये जो सीधा ऊपर जंगल दिखाई दे रहा है ये जाखू के लिए आपका जाता है, और यहाँ से हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी यहाँ दिखाई देती है, 108 फीट ऊंची मूर्ति है। बंदर बहुत शरारती है यहाँ पे, तो उनसे बस आपने बच के रहना है। सो अभी मैं निकलने वाला हूँ शिमला की तरफ। ये देखिए आप मॉल रोड और रिज का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, वो आपका चर्च है, देन ये आपका नीचे मॉल रोड, और ये रिज मैदान पूरा। सो अभी हमें यहीं पहुँचना है, एंड ये आप देख सकते हैं पैदल रास्ता है, और यहीं से मैं शॉर्टकट नीचे निकलूँगा शिमला की तरफ। सो अभी जो मौसम है काफ़ी प्लेजेंट है, काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, सो इतनी ज़्यादा अभी गर्मी नहीं हो रही थी, लेकिन दिन तक जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दिन में मॉल रोड के ऊपर वैसे तो घूम सकते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है, जो प्लेन से लोग आएंगे उनको तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो हम यहाँ पर रहते हैं हम लोगों के लिए इतनी सी गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। सो अगर आप भी शिमला आने का प्लान कर रहे हो तो आ सकते हो शिमला आप भी, क्योंकि आजकल जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है और इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं है, 22-25 के आसपास टेम्परेचर आपको मिल जाता है हाईएस्ट, और बाकी सुबह और शाम तो यहाँ पे ठंडी रहती है, तो अपना स्वेटर भी आप साथ में लेके ही चले। ये रास्ता आप देख सकते हो काफ़ी स्टीप है, तो काफ़ी चढ़ाई रहती है यहाँ से ऊपर, एंड ऐसा ही चढ़ाई जो है वो मंदिर तक रहने वाली है आपको, सो केयरफुली आइएगा। सो फाइनली वापस पहुंच चुके हैं हम दरिज के पास, और ये जो प्लेस है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 3 इडियट की मूवी की शूटिंग भी हुई थी, और साथ ही साथ जब कोई नेशनल पॉलिटिकल नेता यहाँ पर आते हैं तो यहीं से वो पूरा भाषण देते हैं, और सामने जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर लोग बैठते हैं। एंड देन ये आप देख सकते हैं इस साइड जो है 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, देन ये नीचे लाइब्रेरी, वहाँ पे चर्च, और ये पूरा रिज मैदान। और रिज मैदान की आपको एक और खासियत मैं बताऊँ, ये जो पूरा मैदान है इस मैदान के नीचे पानी के टैंक भरे हुए हैं, और इन्हीं टैंकों के थ्रू जो है वो पूरे शिमला के लिए पानी भी जाता है। सो ये है शिमला की एक नेचुरल सी ब्यूटी। देन ये है आपका टका बेंच, यहाँ से बैठ के आप जो है
पूरे रिज मैदान का एंजॉय ले सकते हैं, पूरे रिज मैदान का व्यू बैठे बैठे ही एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी मैं हूँ रिज मैदान पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास का व्यू। एंड अभी जो है मुझे घर निकलना होगा क्योंकि मेरी बस है और उसके बाद वो बस मुझे नहीं मिलेगी, फिर 2 घंटे और मुझे वेट करना होगा। एंड देन आप ये देख सकते हैं व्यू, एंड ये लाइब्रेरी, एंड ये चर्च, और ये है पूरा रिज मैदान। सो अभी तो मैं मॉल रोड से नीचे की तरफ उतर चुका हूँ और अभी मुझे निकलना है बस के लिए। तो जस्ट लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड के तरफ मैं उतर रहा हूँ अभी। ये शॉर्टकट रास्ता है मॉल रोड से, तो लोकल लोग ही इस रास्ते को जानते भी हैं। जस्ट 2 मिनट में मैं लक्कड़ बाज़ार पहुँच जाऊँगा और उसके बाद मुझे मेरी बस मिल जाएगी, उसके बाद देन घर निकलेंगे अपना। एंड सो ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें कि एक छोटा सा टूर था शिमला का, जिसमें मैंने आपको बताया कि आजकल शिमला में आना वर्थी है, क्या टेम्परेचर शिमला का है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।